कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं आम को, कच्चे आम को एक साथ पकवाने का तरीका। सो फ्रेंड्स, मैं गांव गया था और गांव से ही एक कच्चे आम मैंने लेके आया है। और आजकल ऐसा है फ्रेंड्स, पेड़ में कुछ आम पक रहे हैं और ज़्यादातर आम कच्चे हैं, तो हमारे गांव का ये सबसे मीठा आम है, तो मैंने सोचा एक साथ कैसे पकाया जाए। तो मैंने भी YouTube में सर्च किया और देखा हूँ, और उसी के माध्यम से मैं भी ये आम को पकवाने की कोशिश करूँगा। तो मैं देखूँगा कि आम पकेगा या नहीं, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। तो उससे पहले फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि बारिश का मौसम है, और बारिश के बीच में जब धूप करती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं सबसे पहले नींबू पानी पी लेता हूँ, अभी गांव से ही आया हूँ। ये नींबू का भी एक कहानी है फ्रेंड्स। एक हमारी फ्रेंड है जो कोरबा में है, उन्हीं के द्वारा ये नींबू भेजा गया है। आप देख सकते हैं नींबू, जसपुर में बहुत ज़्यादा नींबू का रेट भी बढ़ा हुआ है, तो नींबू कोरबा से ही आया है। तो क्या है, मैं शरबत बना लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आम पकाने का तरीका, वो भी एक साथ। YouTube में बताते हैं कि एक साथ आम को पका सकते हैं, पकवा सकते हैं, तो आज मैं वही तरीका दिखाने वाला हूं और मैं खुद भी प्रैक्टिकल करने वाला हूं। तो उससे पहले मैं नींबू का शरबत पी लेता हूं। इसमें मैंने नींबू और शक्कर मिला दिया है। शक्कर घुल गए हैं, अब मैं इसको पीता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी में नींबू का पानी पीने से बहुत दिल दिमाग में ताजगी आ जाती है, वैसे ही कुछ फील कर रहा हूं मैं। अब मैं दिखाता हूं आम को एक साथ पकाने का तरीका। इसके लिए हमें लेना होगा प्याज, मैंने प्याज ले लिया है, और हमें जरूरत पड़ेगी एक कार्टून। तो इसको कैसे पकवाते हैं मैं दिखाता हूं। ये देख सकते हैं आम कड़क है, हमारे क्षेत्र में इसको बोलते हैं गदरा, सब आम गदरा हुआ है। अब इसको सेट करना है हमें कार्टून में। अब इसके बीच बीच में प्याज को रख देना है। तो फ्रेंड्स, आम को रखे 3 दिन हो गए, अब देखते हैं आम पका है या नहीं। वाओ, आम तो
ऐसे लग रहा है पके हुए हैं। ज़रा देखता हूँ, वाओ कुछ पीले भी हो गए हैं, कुछ आम, सारे आम लगभग पक चुके हैं। कुछ में कलर आए हैं और कुछ में कलर नहीं आए हैं। मुझे लगता है सबसे अच्छा कलर इसी में आया है। आम के 3 दिन हो गए थे, अब इसको टेस्ट करके देखता हूँ नेचुरल स्वाद है या स्वाद में कुछ बदलाव है। आप देख सकते हैं कुछ आम को मैंने निकाल लिया है, वैसे सारे आम पक गए हैं। अब मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ ये आम में कुछ बदलाव तो नहीं है टेस्ट में। आप देख सकते हैं आम में कुछ बदलाव नहीं है, कुछ टेस्ट में बदलाव नहीं है। जैसे आम नेचुरल लगता है वैसे लग रहा है। मजा आ गया। ये आम जो है फ्रेंड्स मेरे गांव का सबसे मीठा आम है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स आज का यह टेक्निक कैसा लगा, और आप भी आम इस विधि से पकाना चाहते हैं तो पका सकते हैं, बहुत अच्छी आम पक जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।